सो गाइस अभी एक दिक्कत आ गई है, हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो रुक चुकी है वहाँ पे। मेरे को मुझे भी नहीं पता कहाँ जाने वाले, बट घूमते हैं अभी। फिलहाल करते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज बना है आलू भिंडी की सब्जी। मंदिर मस्त बना है यार। ए बोले ऑल राइट एवरीवन। सो अभी दो स्कूटी लेके आया, एक मैं चलाया, ये जो इलेक्ट्रिक आपको दिख रही है ये मैं चलाया, और दूसरे वो जो है मेरा फ्रेंड चलाया, पीछे मेरा एक दोस्त बैठा था। और अभी हम लोग पहुंचे हैं मोमोज की फैक्ट्री में। मोमोज पैक हो रहा है एवरीबॉडी। सो अभी मैं और मेरा दोस्त मोहक हम लोग अपने ही कॉलेज में आ गए, क्योंकि वो जो मोमोज वाला जो था काम उसमें 15 से 20 मिनट रुकने का बोल रहे थे, तो वो रुकने से अच्छा हम अपना कॉलेज ही घूम लेते, ज़्यादा दूर भी नहीं था, 2 मिनट का रास्ता था। सो अभी चलते हैं कॉलेज में, कुछ खाते हैं कैंटीन वगैरह में, देखते हैं अभी। ऑलराइट एवरी, ब्रेड पकौड़ा मेरा, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और स्टिंग भी ले लिया था, तो अभी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं वो दो नमूनों को लेने। सो गाइस अभी एक दिक्कत आ गई है, हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी वो रुक चुकी है वहाँ पे। मेरे को भाई साहब इसको धक्का मारना पड़ेगा यार। अभी कहाँ रुकी है देखो, एकदम ब्रिज में रुकी है भाई। देखो तू पीछे बैठ जा मोहक, तू पीछे बैठ, आ जा ये जैसे कि काम आएगा। आ जा भाई, देखो कैसे लेके जाना पड़ रहा है। मस्त प्लान है। आई पे से आई पे से जाना है, यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाने, जाने खड़ी है। हो जाएगा, हो जाएगा। साथ में चल तो। जैसे तैसे करके हम लोग अपनी सोसाइटी तो पहुंच गए। मैं तो अपनी सोसाइटी पहुंच गया, अभी चलता हूँ घर पे, मुंह हाथ धोता हूँ और लैपटॉप और थोड़ा बुक्स वगैरह लेके जाते हैं दोस्त के घर पे। वहाँ पे थोड़ा स्टडी करेंगे 3-4 घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा खेल भी लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन स्टडी ज़्यादा मैटर कर रही है क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले। सो अभी चलते हैं घर पे। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो गाइस अभी मैंने लैपटॉप और बुक्स वगैरह तो ले लिया और अच्छे से मुंह हाथ धो लिया, पानी वानी पी लिया, एकदम 10-15 मिनट हो चुका है। अब चलते हैं वहाँ पे, दूसरे बिल्डिंग में मेरे दोस्त लोग खड़े हैं। और मेरा एक सजेशन रहेगा गाइस, सजेशन नहीं, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि इलेक्ट्रिक मत लेना कभी भी, क्योंकि भले आपको इलेक्ट्रिक मतलब अच्छी लगती होगी, पेट्रोल वेट्रोल नहीं खाती होगी, बट गाइस जो अभी सीन हुआ ना हमारे साथ बहुत भयंकर हुआ था। घर से निकलते समय फुल था, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी ठप पड़ गई थी। सो गाइस अभी छोटी सी रेस होने वाली है वो कोने तक। हाँ चौधरी बाजू में आ जा, और हमारे कॉम्पिटिटर है चौधरी, और पीछे बैठे हैं उनके प्रो प्लेयर मोटू पे बोल हैं मोटा। रेडी मयंक,
3, 2, 1 करो, 3, 2, 1 गो। पीछे वाला चाहिए, पीछे वाला बोलता है रेस करनी है, आधा चेंज में हां चेंज करता पीछे वाला आ रहे इधर तो उससे क्या होता है सही देखते हैं राइडर में डिफरेंस करते हुए चल देख अब देख ये हवा नहीं मिल टाइम हवा नहीं देखना हवा नहीं ये फ्री ना ज्यादा इसको ज्यादा थ्री की पड़ी है इसको थ्री कर रहा है 2, 1 गो नहीं 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 3, 2, 1 गो उड़ा ले छोटी यहाँ से उड़ा ले चले वापिस उड़ा ले भाई राइडर भी चेंज कर लेते हैं सो गाइस जब स्कूटी चेंज हो चुकी है राइडर भी चेंज हो चुका है 3, 2, 1 गो भाई ले चौधरी जीत गए अब भी जीत गए स्पीड स्लो करते जाने में चौथी रेस खत्म अरे जरूर डालेंगे जरूर 10, 15 लूटो और लो 10 इसे कॉफी नहीं ले नहीं ये दो ले भाई ये दो मेरे को पसंद है एक ले लो हाँ एक एक अरे ये तो रहा पॉप रिंग ऑलराइट एवरीबॉडी सो गाइस अभी मैं गया था मेरे दोस्त के घर पे और हम लोगों ने मतलब पढ़ाई किया था जाते अभी जब मैं गया था लैपटॉप वगैरह लेके बुक्स वगैरह लेके तो हमने गेम वेम नहीं खेला था पढ़ाई किए थे 1.5-2 घंटे फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे तो अभी जस्ट मैं सो के उठा था तो आ गए थे अभी सो के उठा था और अभी मुझे 8:30 सोया था 2 घंटा सोया था और आधा घंटा मतलब ऐसे ही चाय नाश्ता किया मैंने थोड़ा बहुत तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है तो अभी मेरे लिए एक टास्क है जो कि है ये मतलब दो जूतों को धोना अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ करके सो फिर मंडे को कॉलेज पहन के जाएंगे क्योंकि मंडे को हमारे सिर्फ एग्जाम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है थर्सडे फिर एग्जाम्स ख़त्म हमारे तो फ्री कुछ दिनों के लिए सो फिर वापस से दूसरा एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा तो अभी फिलहाल ये जूते को धोते हैं ऑलराइट एवरीबॉडी सो गाइस यहाँ पे मैंने जूते धो के एकदम सुखा दिए हैं सो काफ़ी सही है और मंडे तक तो सूख जाएंगे आराम से अगर एक दिन भी लेगा तो क्योंकि मोटे जूते हैं ना इसीलिए एक मोटा है ये वाला मोटा जूता है ये वाला पतला है सो हाँ बाकी तो सब सही है अभी चलते हैं अंदर ऑफिस से भूख लगने लग जाती है पता नहीं चलता एक तो उम्र भी ऐसी है ना भूख बहुत लगती है तो अभी चलते हैं बाहर का माहौल थोड़ा देखते हैं क्या है अरे यहाँ पे मम्मा डिनर की तैयारी करते हुए क्या बन रहा है मम्मी आज आलू दाल करेला की सब्जी करेला की भुजिया अरे भुजिया सब्जी एक ही हुई ना सब्जी भुजिया हाँ राइस तो पता है बिना राइस थोड़ा दाल दाल खाए दाल थोड़ी ना खाएंगे राइस तो खाएंगे ना उसके साथ रोटी यहाँ रखा हुआ है बहुत बढ़िया बहुत वैरायटी है सभी तो गाइस चलते हैं वहाँ पे देखो बैडमिंटन खेल रहे हैं भैया लोग जो भी नहीं दिखेंगे यहाँ छोटे छोटे दिख रहे होंगे देखो और काफ़ी सही हो रखा है यार मौसम तो आज बारिश भी नहीं हुई जब हम गए थे सुबह लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी ने दिमाग जो खराब किया ना यार क्या एक और बात कि मैं कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक वगैरह को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब आप अगर आपको अंदाज़ा है कि
इतने चार्ज में मेरी गाड़ी इतने तक चलेगी, इतने तक चलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक बेस्ट है। लेकिन फिर आपने देखा जैसे कि आज के ब्लॉग में कि कैसे हमारे सीन हो गए थे, मतलब ब्रिज के ऊपर ही गाड़ी रुक गई थी। वो तो चलो पास में था, अगर दूर होता तो पूरी वाट लग जाती। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, वो करीबन था 7 से 8 मीटर था, तो 7 से 8 मीटर के बीच में फिर हम गाड़ी लेके चले गए। मतलब कैसे आपने देखा ब्लॉग में कि हम कैसे गाड़ी लेके आए 7 से 8 किलोमीटर के बीच में, तो उतना बड़ा इशू हुआ नहीं। बट अगर जैसे कि फॉर समथिंग बाइक हो, या बाइक तो और हैवी आती है स्कूटी के कंपैरिजन में, सो वो अगर आपको अंदाज़ा हो तो आप बाय कर सकते हो। वैसे तो बहुत अच्छी है मुझे मालूम है, बट अगर ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं तो शायद ही कोई ले पाता है। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस समझ रहे हो ना आप, बस इतना काफ़ी है। सो हाँ,